सो हे गाइज, मैंने एक कार्ड ऑर्डर किया था, तो उसका डिलीवर्ड ये पार्सल आया, तो इसके बारे में देखते हैं कि कैसा है क्या है। मैंने सिर्फ ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे देखा था तो काफ़ी अच्छा दिखा, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो अब देखते हैं ओरिजिनलिटी में ये वैसा ही है या कोई और। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है ये इसकी, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, ये इसका डब्बा है, ये इसके साथ में इसका बिल है। बिल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कितना का क्या है। तो ये कार्ड होल्डर वो कॉटनिस इसी कंपनी का था, तो इसको देख के मैंने ऑर्डर किया था। ये देखिए, ये बहुत ही प्रिटी कार्ड होल्डर है ये देखिए। और इसके हाँ क्वालिटीज सबसे बेस्ट ये है कि ये प्योर लेदर का है, तो काफ़ी जैसे अपने हाथ में कैरी करने में बहुत ही शानदार लुक देता है इसे, जैसे कि एकदम रॉयल लुक हो। तो ये देखिए इसके अंदर कितने कार्ड्स के लिए स्लैब बने हुए हैं, तो एक स्लैब दो स्लैब इधर है, फिर एक यहाँ तीन, फिर चार और पाँच और एक छः। तो आप छः कार्ड होल्डर आराम से कैरी कर सकते हो। जैसे कि आप ज़्यादातर जगहों पर देखते हैं तो आपके पर्स के साथ ही कार्ड होल्डर दिए जाते हैं, तो पर्स ऐसे खूब मोटा सा लगता है जो कि अच्छा नहीं लगता, और कैरी करने में भी पर्स ऐसे आसान नहीं होता। तो आप कार्ड होल्डर को ऐसे कैरी करते हो तो बहुत ही ऐसे अलग सा लुक देता है, और कार्ड होल्डर नॉर्मली ऐसे सब जगह अवेलेबल भी नहीं है। मैंने ऑनलाइन देखा तो काफ़ी प्यारा कलर था, और इसी कंपनी का जो लोगो है ये दिखा रखा है इस कंपनी का, ये भी है कि इन्होंने प्योर लेदर का ही ये काम करते हैं, तो कार्ड होल्डर भी प्योर लेदर का, और काफ़ी अच्छा कलर, यूनिक कलर है इसका। और अब देखते हैं इसकी MRP कितनी थी और कितने में ऑर्डर किया था। तो मैंने इसको ओनली 4289 में ऑर्डर किया था, और इसकी MRP लगभग 350 से अबव रहती है, तो आप ऑफर पे इसको देख सकते हो 289 में, कि मैंने 289 में इतना ऑर्डर किया, काफ़ी अच्छे से आ गया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।